साथियों, आज जो पैच मैंने बनाया है वो शंकर जयकिशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ बहुत ही आकर्षक गाने का है। फिल्म दिल तेरा दीवाना का टाइटल सॉन्ग दिल तेरा दीवाना है सनम, जिसे रफ़ी साहब और लता जी ने गाया है। शंकर जयकिशन साहब ने इस गाने में स्पेशल इफेक्ट्स का भी उपयोग किया है, थंडर का यानी बादलों की गड़गड़ाहट उसका उपयोग भी किया है इस गाने में। इस गाने में जो ओरिजिनल रिदम पैटर्न बजा है उसे मैं पूरा तो कॉपी नहीं कर पाया हूँ, बोंगो का पैटर्न है, पर मैंने जो पैटर्न बजाया है वो इस गाने में लगभग ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। बाकी आप लोग सुन के बताएंगे कि वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। इस गाने में तीन तरीके के पैटर्न बजे हैं, स्थाई और अंतरे में एक ही तरीके का पैटर्न बजा है, और इंटरलूड्स में अलग पैटर्न बजा है, परंतु दोनों इंटरलूड में लगभग एक समान पैटर्न ही बजा है। तो आइए पहले इस पैच का टोन एडिटिंग चार्ट देख लीजिए, फिर अपन इसमें बजने वाले पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हैं। मैंने इस पैच में शेकर लूप का भी उपयोग किया है, जिसको कि मैं फुट पेडल से कंट्रोल करूँगा। आइए पहले प्रैक्टिस करते हैं स्थाई और अंतरे में बजने वाला पैटर्न। One and two and three and four and 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 अपन वो पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं जो इंटरलूड्स में बजे हैं। इंटरलूड में दो तरीके के पैटर्न बजे हैं, हालांकि दोनों इंटरलूड में सेम पैटर्न बजे हैं। ये दोनों पैटर्न जो अपन अभी प्रैक्टिस करेंगे दोनों इंटरलूड में बजे हैं, और बीच बीच में थंडर स्पेशल इफेक्ट का भी उपयोग किया गया है। वो आप जब ओरिजिनल गाने के साथ बजाएंगे तो उस थंडर इफेक्ट की प्लेसिंग समझ जाएंगे। आइए अपन प्रैक्टिस करते हैं वो पैटर्न जो इंटरलूड्स में बजे हुए हैं। पहला पैटर्न है जो इंटरलूड में बजाएंगे, पहला पैटर्न, इसके बाद बजेगा दूसरा पैटर्न। इंटरलूड में जो सेकंड पैटर्न बजा थंडर इफेक्ट के बाद सेकंड पैटर्न बजा। वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड 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 के बाद अंतरा शुरू हो जाता है, और अंतरे में वही पैटर्न बजा हुआ है जो कि स्थाई में बजा हुआ है। को पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। कुछ भी गलतियाँ हो तो कमेंट बॉक्स में